दोस्तों बहुत से मास गेनर में ऐसे सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो मसल्स मांस को बढ़ाते हैं अर्थात वजन को तेजी से बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत से लोग मास गेनर का सेवन इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको उस मास गेनर का टेस्ट पसंद नहीं आता है। यह बात सच भी है। आप अमेजन शॉपिंग के मास गेनर वाले बहुत से प्रोडक्ट के रिव्यू में उसे देख सकते हैं। तो मैक प्रो गोल्ड मास गेनर को इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आपको अलग अलग टेस्ट में अर्थात अलग अलग फ्लेवर में मिलेगा। साथ ही इस मास गेनर में ऐसे घटक मिलाए गए हैं जो आपकी बॉडी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस गेनर में मिलाए जाने वाले खास घटकों व उनके गुणों के बारे में जानेंगे व इस गेनर के सेवन का तरीका जानेंगे। अतः वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस मास गेनर में क्रिएटिन पाया जाता है। दोस्तों आज के समय में क्रिएटिन बॉडी बनाने या वजन बढ़ाने व लंबाई बढ़ाने के लिए एक जाना माना तत्व है। तो क्रिएटिन हमारे लिए बहुत ही खास कार्य करता है। जैसे यह हमारे एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाता है अर्थात यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय हमें कमजोरी महसूस नहीं होगी और हम अधिक से अधिक वजन उठाने में सक्षम बनेंगे। दोस्तों बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी भी है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं और यदि शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे तो शरीर का विकास भी तेजी से होगा। अर्थात यदि आपको बॉडी बनानी है या वजन बढ़ाना है तो वह भी बढ़ेगा और यदि आपको हाइट अर्थात लंबाई बढ़ानी है तो वह भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज करने के लिए हमें पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे हम क्रिएटिन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो क्रिएटिन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है लेकिन बॉडी बनाने या वजन बढ़ाने और लंबाई बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्रिएटिन की आवश्यकता होती है। और यदि आप केवल प्रोटीन का सेवन भी करते हैं तो किडनी और लीवर के द्वारा प्रोटीन से हमें क्रिएटिन मिल जाता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है जो शरीर के लिए जरूरी है। तो इस मास गेनर में पाया जाने वाला क्रिएटिन शरीर के पावर को और अधिक बढ़ा देता है जिससे हम अधिक से अधिक वजन को उठा सकते हैं। दोस्तों जो जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करने से शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की संख्या बढ़ती है और ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने पर शरीर का विकास तेजी से होता है। तो क्रिएटिन हमारी एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाता है अर्थात हम बिना थके अधिक समय तक एक्सरसाइज करने में सक्षम बन सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिन हमारी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है अर्थात हड्डियों के घनत्व को भी बढ़ाता है। और दोस्तों हाइट अर्थात लंबाई बढ़ाने के लिए हड्डियों के घनत्व का बढ़ना जरूरी है। तो यदि आप वजन बढ़ाने के साथ साथ लंबाई भी बढ़ाना चाहते हैं तो यह मास गेनर आपकी लंबाई भी बढ़ाएगा लेकिन इसके साथ आप 10 से 15 मिनट हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी करें। कौन सी एक्सरसाइज करना है उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहां से आप वे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यह मास गेनर शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। दोस्तों प्रोटीन जहां हमारे शरीर के लिए जरूरी है वही यह हमारे दिमाग के लिए भी जरूरी है और आज हमारे खान पान से हमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो यह मास गेनर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। दोस्तों यदि आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और तब भी आपकी मसल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है तो यह मास गेनर आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा। इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन आपकी मसल्स को बिल्ड करने में बहुत ही सहायता करता है। दोस्तों इसके अलावा इस मास गेनर में पाचक एंजाइम अर्थात डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों यदि हम जो कुछ भी खाते हैं वह शरीर में नहीं पचेगा तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो पाचक एंजाइम
हमारे खाने को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और पाचन शक्ति बढ़ेगी तो हम जो कुछ भी खाएंगे वह हमारे शरीर में लगेगा और हमारा वजन बढ़ने लगेगा। दोस्तों इसके अलावा इस मास गेनर में और भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम इस मास गेनर के सेवन का तरीका जान लेते हैं। तो इसकी एक सर्विस के लिए आप इसका 3 स्कूप अर्थात 100 ग्राम के बराबर पानी या दूध में मिलाकर पिए। यदि आप इसका सेवन दूध के साथ करेंगे तो यह आपको और अधिक फायदा करेगा। तो इसके सेवन से पहले अर्थात आप 5 से 10 मिनट पहले आप एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे यह आपके पेट के फैट को न बढ़ाकर मसल्स को बढ़ाएगा और आपकी एक परफेक्ट बॉडी बनाएगा।